हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज के बेसिक शिक्षा समाचार की कुछ विशेष खबरें। दोस्तों, एक खुशी की बात है कि यूपी टीईटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को सीएम योगी की हरी झंडी। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, आएंगे शिक्षक, जुलाई में शुरू होंगे यह कार्य। 1 जुलाई से सरकारी टीचरों का खत्म हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम, स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यूपी टेट वैधता बढ़ी तो 10 साल पुराने प्रमाण पत्र के लिए दौड़ने लगे बेरोजगार अभ्यर्थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने के बाद तमाम बेरोजगार 10 साल पुराने अंक पत्र के लिए दौड़ रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में रोज 4 से 6 अभ्यर्थी 2011 से 2019 तक के अपने प्रमाण पत्र के संबंध में पूछताछ करने पहुंच रहे हैं। पूर्व में यूपी टीईटी 5 साल के लिए मान्य था, इसलिए 2015 के पहले के प्रमाण पत्र बेकार हो गए थे, लेकिन आजीवन मान्य किए जाने से पूर्व में सफल उन अभ्यर्थियों में शिक्षक बनने की उम्मीद फिर जग गई है जो अब तक बेरोजगार हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं। डायट में 2018 के तकरीबन 8 से 10 हज़ार और 2019 के 18 हज़ार प्रमाण पत्र पड़े हैं। उससे पूर्व के कितने प्रमाण पत्र रखे हैं इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिन क्लर्क के पास रिकॉर्ड है उनका तबादला हो चुका है और किसी को रिकॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यूपी में पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टीईटी कराया था। इसके बाद 2013 से 2019 तक लगातार परीक्षा हुई। 2020 की परीक्षा कोरोना के कारण अब तक नहीं हो सकी है। CBSE ने पहले ही CTET को आजीवन मान्य कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्णय लेने को कहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी TET को आजीवन मान्य करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर आज शासन ने अपनी मुहर भी लगा दी है। अब यूपी टेट का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होगा। इनका कहना है यूपी टीईटी के 2011 से 2019 तक के पुराने प्रमाण पत्र के संबंध में 4-6 अभ्यर्थी रोज पूछने आ रहे हैं। जिन कर्मचारियों के पास रिकॉर्ड था उनका प्रमोशन के कारण तबादला हो चुका है। जिसे भी पुराने प्रमाण पत्र लेना है वह 15 जुलाई के बाद संपर्क करें। संतोष मिश्र, डायट प्राचार्य। प्रयागराज, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे, लेकिन छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने की अनुमति नहीं है। केवल शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आना होगा। उन्हें विद्यार्थियों के नामांकन सहित अन्य प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई है। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई ई पाठशाला के माध्यम से जारी रहेगी। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों बेसिक को भेजे निर्देश में कहा कि 1 से 8 तक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति दी जा रही है। विद्यालय केवल प्रशासनिक कार्य के लिए खोले जा रहे हैं। छात्र छात्राओं का पठन पाठन ई पाठशाला के माध्यम से जारी रहेगा। बीती 19 मई को जारी आदेश के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से 30 जून तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद रहेंगे। 1 जुलाई से शिक्षक व कर्मचारियों के आवश्यकता अनुसार विद्यालय पहुंचने की अनुमति दी जा रही है। अगले आदेश तक छात्र छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। एडेड स्कूलों के संबंध में प्रबंध समिति देगी निर्देश। सचिव ने निर्देश दिया कि प्रदेश में कक्षा 8 तक के मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में विद्यालय की प्रबंध समिति आवश्यक निर्देश देने के लिए अधिकृत होगी। जुलाई में शुरू होंगे यह कार्य। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना, मध्याह्न भोजन योजना के तहत भेजी गई परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं व अभिभावकों के बैंक खातों में प्रेषित करना और मिले खाद्यान्न का वितरण कराना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा करना, मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला का संचालन, जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से अन्य महत्वपूर्ण कार्य व दायित्वों का संचालन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर UPTET के प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्य करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार UPTET का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएं। DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही लागू रखी जाए। दरअसल केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 जून को ऐलान किया था कि TET 2011 से जारी हो रहे प्रमाण पत्र आजीवन होंगे। इसके पहले प्रमाण पत्र 7 साल और 2020 का ही आजीवन मान्य था।
मंत्री के बयान के बाद यूपी में भी इसके आजीवन मान्य होने की संभावना बढ़ गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इसका प्रस्ताव भी भेज दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है। इस कदम से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत होगी जो प्रमाण पत्र की अवधि पूरी होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र अभी तक 5 वर्ष तक ही मान्य रहा है। टीईटी को लेकर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ऐलान के बाद 9 जून को एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी है। नेशनल काउंसलिंग की 50वीं बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि 2011 से अब तक टीईटी के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होंगे। राज्य सरकारें भी इस संबंध में निर्णय ले सकती हैं। केंद्र से आदेश जारी होने के बाद शासन ने भी परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में एक बार होती रही है। 10 साल में 8 परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनमें करीब 21 लाख से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं। अभी तक यूपी टीईटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान रहा है। इसके पहले 2012 में यूपी टीईटी नहीं हुई और 2020 की परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी माह जारी होने के आसार हैं। कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम कर रहे यूपी के तकरीबन 1.60 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक 1 जुलाई से स्कूल जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 30 मई के शासनादेश के क्रम में 14 जून को जारी आदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आएंगे। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी और मंडी सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का 100% नामांकन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए शिक्षकों को स्कूल जाने की अनुमति दी जाती है। प्रसिद्धि स्कूलों में मिड डे मील की परिवर्तन लागत बच्चों एवं अभिभावकों के खाते में भेजने, ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला का संचालन आदि कार्य समयबद्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का जो है बेसिक शिक्षा समाचार की विशेष खबरें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।